लास्ट पढ़ाई कर रहे थे वो हमने देख लिया था कि भाई क्रड ऑपरेशन कैसे होगा एक्सप्रेस के सर्वर के साथ। अच्छा, आज हमने क्या करना है कि ये जो वेरिएबल था जो हम यूज़ कर रहे थे एज अ डेटाबेस, इसको हमने क्या करना है MongoDB के डेटाबेस से रिप्लेस करना है। अच्छा, तो MongoDB के डेटाबेस से रिप्लेस करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है। अच्छा, सब लोग इधर मुतवज्जो हो जाओ, मुश्किल टॉपिक है, आसान नहीं है, फिर बाद में बोलना नहीं समझ नहीं आएगा। सही है, सबसे पहले जाओगे MongoDB.com। सही है जी, MongoDB.com जो है वो क्या है, आपका डेटाबेस की होस्टिंग है। क्या है वो? डेटाबेस की होस्टिंग है। जिस तरह हमारा सर्वर होस्ट होता है, जिस तरह हमारा फ्रंट एंड होस्ट होता है, इसी तरह हमारा डेटाबेस भी होस्ट होता है। ठीक है, फ्रंट एंड की होस्टिंग हम कर चुके हैं, सर्वर की होस्टिंग हम साइक्लिक पे कर चुके हैं, और डेटाबेस की होस्टिंग हमारी MongoDB.com पे हो सकती है। इसके अलावा गूगल पे भी होती है, AWS पे भी होती है, सब जगह होती है। ठीक है, MongoDB की होस्टिंग। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे साइन इन कर लेते हैं, और साइन इन करने के बाद हम कैसे करेंगे, ये गूगल से लॉगिन कर सकते हैं आप, ये GitHub से कर सकते हैं, मैंने गूगल से किया हुआ है। तो मैं लॉगिन करके इसके अंदर चला जाता हूँ। वंस मैं इसके अंदर चला गया तो मेरे पास इस तरह का कुछ डैशबोर्ड नज़र आ रहा होगा। अच्छा, आपके पास ये वाला जो पार्ट है ना, ये आपके पास बना हुआ नज़र नहीं आ रहा होगा। ठीक है, आपके पास ये बटन आ रहा होगा क्रिएट। अभी क्रिएट जब दबाएंगे तो यहाँ पे एक फ्री वाला जो क्लस्टर है ना, वो आपने क्रिएट कर लेना है। ठीक है, मेरे पास वो फ्री वाला भी शो नहीं होगा क्योंकि मैं एक ऑलरेडी बना चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो ये आ रहा है ना क्लस्टर टियर, इसमें ये देखें आप, $9 $24 वाला आ रहा है, तो आपने इसमें से वो वाला सेलेक्ट करना है जो $0 है। ठीक है, 512 MB में ये आपको देता है, $0 में ना 512 MB आपको ये दे रहा होता है फ्री में। अच्छा, तो वंस वो आप क्रिएट कर लेंगे ना, तो कुछ इस तरह का आपके सामने बना हुआ आ जाएगा। सही है, क्लस्टर थोड़ी देर लिखा हुआ आएगा बींग क्रिएटेड, और फिर इस तरह का बना हुआ आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने कनेक्ट का बटन दबाना है। बल्कि कनेक्ट का बटन दबाने से पहले भी एक काम करना है, आपने दो चीज़ें इसमें कन्फिगर करनी है। नंबर एक, सिक्योरिटी में जाके आपने चेक करना है नेटवर्क एक्सेस ना शुरू में ये खाली आ रहा होगा, एक भी नहीं आ रहा होगा, ये एक है ना एक्टिव लिखा हुआ है। सही है, आप क्या करेंगे, ऐड आईपी एड्रेस पे क्लिक करके, और यहाँ पे आप आईपी एड्रेस क्या लिखेंगे, 04 दफ़ा, सही है, 40/0। ठीक है, और कंफर्म कर देंगे, मेरे पास पहले से ही ऐड हुआ है तो मुझे ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इस आईपी एड्रेस का मतलब क्या है कि इस डेटाबेस को कहीं से भी एक्सेस किया जा सके। ठीक है, एंड दिस इज़ नॉट गुड फॉर प्रोडक्शन, कि कहीं से भी एक्सेस किया जा सके, ये प्रोडक्शन के लिए गुड नहीं है। जब आप प्रोडक्शन में अपनी ऐप को चलाते हैं तो आप क्या करते हैं, आपका जो सर्वर है जहाँ से इस डेटाबेस को एक्सेस किया जाएगा, उसकी आईपी तलाश करके वो यहाँ पे लगा देते हैं, ताकि किसी और आपके सर्वर के अलावा किसी भी जगह से इसको एक्सेस किया जाए तो ये एक्सेस नहीं हो सके। आप एक से ज़्यादा भी आईपी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो नंबर एक चीज़ ये हो गई। नंबर दो चीज़, डेटाबेस एक्सेस। ठीक है, डेटाबेस एक्सेस में हमारे पास देखें दो यूज़र बने हुए हैं, आपके पास खाली यूज़र आ रहा होगा, कोई भी नहीं होगा। आपने करना है ऐड डेटाबेस यूज़र। ठीक है, यहाँ पे आपने पासवर्ड टाइप करना है, दो दफ़ा ये आपसे कहेगा कि भाई पासवर्ड आप टाइप कर दें, और सॉरी यहाँ पे यूज़र नेम है, यहाँ पे पासवर्ड है। ठीक है, तो नाम और पासवर्ड आपने लिख दिया, और आपने बाकी चीज़ों को चेंज नहीं करना, एज इट इज़ रहने देना, और ऐड यूज़र का बटन दबा देना है। मेरे पास क्योंकि दो यूज़र पहले से एडेड है, इसलिए मुझे ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये दोनों चीज़ें कॉन्फ़िगरेशन हो गई, इसमें कोई मसला तो नहीं है, समझ में आया कैसे हुआ ये। अच्छा, ये वाला यूज़र हम क्यों ऐड कर रहे हैं, ये वाला यूज़र हम असल में, ये यूज़र नहीं ऐड कर रहे, ये पासवर्ड हम बना रहे हैं, डेटाबेस को कनेक्ट करने का पासवर्ड बना रहे हैं। सही है, तो अब जब हम अपने एप्लीकेशन पर डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे, यानी अपने सर्वर से, तो हम ये वाले पासवर्ड के ज़रिए उसको करेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर एक तो मेरा गूगल के अकाउंट से चल रहा है, एक तो वो यूज़र है ना, वो अलग है, उसके उस मेरे 10, 12, 15 जितने डेटाबेस हैं सब उसमें नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन इस वाले पासवर्ड से सिर्फ यही डेटाबेस नज़र आता है, और कोई से नहीं आता। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डेटाबेस यूज़र, इसको हम बोलते हैं डेटाबेस का यूज़र, ये कि वो एक ही डेटाबेस उसको पता चलेगा और नहीं पता चलेगा।
अच्छा, ये दोनों चीज़ें कन्फिगर करने के बाद मैं वापस डेटाबेस में आ जाता हूँ, और डेटाबेस में आने के बाद मैं कनेक्ट का बटन दबा देता हूँ, राइट। कनेक्ट का बटन दबाते ही मुझसे ये पूछेगा कि कैसे कनेक्ट करना है। मैंने कहा कनेक्ट योर एप्लीकेशन, मैं अपनी एप्लीकेशन से कनेक्ट करना चाहता हूँ। उसके अलावा शेल वगैरह भी दो तीन ऑप्शन है, टर्मिनल है, शेल है, मैंने वो नहीं करना, मैंने अपनी एप्लीकेशन से कनेक्ट करना है। तो ये मुझसे पूछ रहा है भाई नॉट जेएस है, मैंने कहा हाँ नॉट जेएस है, लेटेस्ट वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन है। उस बिहाफ पे इसने मुझे क्या बना के दे दिया, एक अदद यूआरएल बना के दे दिया, इसको मैंने कॉपी कर लिया इस यूआरएल को, ठीक हो गया। और इस यूआरएल को कॉपी करने के बाद मैंने क्या किया यहाँ पे, अच्छा इसकी मैंने कॉपी अभी तक नहीं बनाई, ये जो लास्ट क्लास में हम कोड लिख रहे थे इसकी मैं कॉपी बना लेता हूँ, और इसका मैं नाम भी चेंज कर दूंगा, इसका नाम मैं रख दूंगा कि सिक्स करंट ऑपरेशन विथ डेटाबेस। सही है, कॉपी बन रही है इसकी अभी, और इसका मैं नाम रख देता हूँ सिक्स मोंगोडीबी और करंट ऑपरेशन विथ रिएक्ट एंड एक्सप्रेस। कॉपी आखिर में आ रहा है, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है जी, ताकि वो पुराना वाला कोड प्रिजर्व हो जाए। अब ये नए वाले कोड में जो भी काम करूँगा मैं, अभी मैं नए वाले कोड में करूँगा। तो नए वाले कोड में आने के बाद सबसे पहले मैंने क्या किया, जो URL वहाँ से कॉपी किया था वो यहाँ पे लाके मैंने, कोई पेस्ट क्यों नहीं हो रहा, दोबारा चलते हैं फिर से कॉपी करके लाते हैं, ये छोटा सा बटन है इसको क्लिक करने से भी कॉपी हो जाता है, ठीक है जी। तो ये मेरा URL है। अच्छा इसमें नोट करो यूज़र नेम और पासवर्ड की जगह खाली छूटी हुई है, तो यूज़र नेम में मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा DB यूज़र, सही है, DB पासवर्ड, ऐसा नहीं हो सकता, पासवर्ड नहीं लिखवा रहा हूँ। अच्छा ये कौन सा वाला यूज़र मैंने लिखा है, ये डेटाबेस यूज़र जो थोड़ी देर पहले मेरे पास दिख रहे थे ना, दो यूज़र बने हुए, ये वो वाला यूज़र और वो वाला पासवर्ड है, ठीक है, मुझे याद है, मैंने यही पासवर्ड रखा था इसलिए मैंने लिख दिया। आप जब बनाएंगे तो आपको वो याद रखना है, ठीक है, या कहीं पर नोट डाउन करना है उसको। और ये URL, ये URL आपने सिक्योर रखना है, ठीक है। तो ये URL एक्चुअली आप कैसे लगा रहे होंगे, आप कहेंगे कॉन्स्ट, ठीक है, MongoDB URI, सही है, इक्वल्स टू, इसको आप इन्वायरमेंट वेरिएबल में डाल रहे होंगे, ठीक है, MongoDB URI, और अदरवाइज ये फौरी तौर पर ये वाला, ठीक हो गया। तो ये असल में URI आप करो, MongoDB का जो जो URL है ये ऐसी चीज़ है जो आपको संभाल के रखना है। तो आपने इसको कहाँ रख देना है, इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर, और मैंने कहा भाई इन्वायरमेंट वेरिएबल में नहीं हो तो फिलहाल ये वाला यूज़ कर लो, ठीक है, ऐसे करके मैंने दिया, ठीक है जी। ये URL सही है, बिल्कुल बेहतरीन है, ज़बरदस्त है, ये लास्ट तक है पूरा URL। अब ये URL तो मेरे पास आ गया, लेकिन अब मैंने इस डेटाबेस से कनेक्ट करना है तो मैं वो कैसे करूँगा, उसके लिए मुझे एक अदद लाइब्रेरी चाहिए होगी, दैट इज़ कॉल्ड मोंगोस, ठीक है, मोंगोस की लाइब्रेरी मुझे यहाँ पे रिक्वायर्ड होगी, मोंगोस, एंटर, ये पहला लिंक आ गया मोंगोस JS। यहाँ पे मैंने कहा कि भाई गेटिंग स्टार्टेड किधर है आपका, क्विक स्टार्ट, तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि npm इंस्टॉल मोंगोस कर लें आप सबसे पहले, तो मैं आगे कर लेता हूँ npm इंस्टॉल मोंगोस। मैंने कहा cd 6 5 टैब cd 6 टैब एंटर npm mongos, ठीक है, mongos इंस्टॉल हो गया मेरे पास। और अब मैंने अगला काम क्या करना है, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि भाई ऐसे करके रिक्वायर करना है, लेकिन ये तो हो गया है पुराना तरीका, हम इसको नए वाले तरीके से रिक्वायर करेंगे, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई इम्पोर्ट मोंगोस फ्रॉम मोंगोस, ठीक हो गया, ये मैंने मोंगोस को रिक्वायर कर लिया, मेरे पास URI यहाँ पे मौजूद है। और अब मैंने इसको कनेक्ट कैसे करना है, इसको मैंने कनेक्ट करना है mongos.connect और ये मैंने URI लगा देनी है, सही है, जो भी मेरी ये URI थी ये मैंने लगा दी।
और ये मेरा डेटाबेस मेरे सर्वर से कनेक्ट हो गया। अब मैं इसमें डेटा डालूंगा और इसमें से क्वेरी करूंगा। अब ये दो काम मेरे लास्ट रह गए। अच्छा, अब इसमें एक क्वेश्चन और है कि अब ये कनेक्ट हो गया कि नहीं हो गया, मुझे पता कैसे चलेगा? मैंने npm run dev कर दिया यहाँ पे मिसाल के तौर पे, लेकिन मेरे पास ये कुछ मतलब पता तो नहीं चला कि डेटाबेस कनेक्ट हुआ या फेल हो गया या कुछ भी पता नहीं चला, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा? इसके लिए मुझे इस पर ना इवेंट्स लगाने पड़ेंगे कुछ। अच्छा, रिसेंटली मैंने ये कोड अभी लिखा था, पता नहीं कहाँ पे, देखता हूँ कहाँ लिखा था मैंने, मेरा ख्याल है चैटबॉट वाली क्लास में लिखा था, इसमें लिखा था मैंने। ठीक है, हाँ, ये काइंड ऑफ बॉयलर प्लेट कोड है, ये आपने लिखना होता है हर दफ़ा। तो मैंने क्या कर दिया, ये बिल्कुल लास्ट में लाके ना ये मैंने क्या लगा दिया, चार अदद वो आई, चार अदद इसमें इवेंट लिस्टनर है, कनेक्टेड, डिसकनेक्टेड, एरर और सेकंड। सेकंड क्या कब चलता है? जब मैं खुद कंट्रोल सी करके रोकूंगा अपनी एप्लीकेशन को, तो उस वक्त चलता है। अच्छा, db URI यहाँ पे भी एक लगा हुआ है, लेकिन ये मैं हटा देता हूँ, मैं अपना टॉप वाला यूज़ करता हूँ, MongoDB URI सही है ये वाला, और ऊपर से ये कनेक्ट भी हटा देता हूँ क्योंकि कनेक्ट नीचे चल रहा है। ठीक है, तो अब हमारा जो सेटअप है ना, वो mongodb.mongos.connect ये पूरा का पूरा है, ये बॉयलर प्लेट है, मैंने भी अभी कॉपी किया है, आप भी इसको कॉपी करके मोस्ट प्रॉब्ली यूज़ कर रहे होंगे। तो अब इसको कर देने से क्या होगा, मेरे पास क्या लिखा हुआ आएगा, MongoDB connected। अगर मैं MongoDB का URL थोड़ा सा चेंज कर दूँ, मिसाल के तौर पर यूज़र का R गायब कर दूँ, तो अब क्या जाना चाहिए, अनऑथेंटिकेटेड। तो मैं इसको कंट्रोल एस किया मैंने, देखो MongoDB disconnected पता चल रहा है मुझे। ठीक है, पहले ये बात पता नहीं चल रही थी, तो मैं वापस से इसको सही करता हूँ और सेव करता हूँ, तो अब कनेक्टेड आ जाना चाहिए। ठीक है, तो मुझे पता चल रहा है कि MongoDB कनेक्ट डिसकनेक्ट है। अच्छा, MongoDB के डिसकनेक्ट होने पे मैंने क्या करवाया हुआ है, ये भी ज़रा गौर कीजिएगा। अगर MongoDB कनेक्टेड हो जाता है तब तो सिर्फ console.log है, लेकिन अगर डिसकनेक्ट होता है तो साथ में process.exit भी है। process.exit का मतलब ये होता है कि अभी चलती हुई जो Node.js की एप्लीकेशन है, यानी कि सर्वर जो मेरा चलता हुआ, उसको रोक दिया गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर एरर आ जाता है तो भी मैंने सर्वर को रोक दिया। सर्वर को रोकने का बेनिफिट ये होता है कि सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म हरकत में आ जाता है। मिसाल के तौर पर साइक्लिक पे अगर आपका सर्वर चल रहा है और वो बार बार क्रैश होता है, तो साइक्लिक आपको ईमेल करता है। ठीक है, पेड प्लान में, फ्री वाले में नहीं। इसी तरह अगर आपका कोई ऐसा Kubernetes के एनवायरनमेंट पे लगा हुआ है, तो वो उसको दोबारा से खुद से रीस्टार्ट करता है। साइक्लिक पे भी अगर आपका सर्वर क्रैश होता है, तो अगली रिक्वेस्ट पे वो खुद से उसको रीस्टार्ट करने की कोशिश करता है। तो अगर वैसे ही कोई बिला वजह मसला आया था, तो वो सही हो जाता है। ठीक है, अगर कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है और वो हर दफ़ा हो रहा है, बार बार क्रैश हो रही है और बार बार चल रही है वो, तो फिर आपको ईमेल आना शुरू हो जाती है कि आपकी ऐप क्रैश हो गई। ठीक है, तो इसलिए ऐप को रुकवाना ज़रूरी है, अदरवाइज ऐप चलती रहेगी, रिक्वेस्ट आती रहेगी, डेटाबेस में वो जारी नहीं होगी। ठीक है, डेटा हमारा डेटाबेस में नहीं जा रहा होगा, तो वो बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये हमारा जनाब ये तैयार हो गया। अब हमें अगला काम ये करना है कि एक एक जो API है ना हमारी, जैसे ये प्रोडक्ट की जो API है, इसमें मैं ये वैलिडेशन वगैरह करता था लास्ट क्लास में, ये हमने पूरा तैयार किया था। अब ये जस्ट ये पुश वाला जो काम है, ये हमने किस पे करना है, अब डेटाबेस में पुश करना है। ठीक है, डेटाबेस में पुश कैसे होगा, डेटाबेस में पुश करने के लिए मुझे सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, स्कीमा बनाना पड़ेगा। तो स्कीमा भी मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, वो भी काइंड ऑफ बॉयलर प्लेट कोड है, प्रोडक्ट स्कीमा। ठीक है, तो मेरे पास एक अदद क्या चाहिए होगा, मुझे स्कीमा चाहिए होगा। तो मैं आ जाता हूँ और ये जो प्रोडक्ट का वेरिएबल था ना, इसकी जगह मैं क्या बना लेता हूँ, प्रोडक्ट का स्कीमा। अच्छा, मेरे प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ शामिल है, नेम, प्राइस, डिस्क्रिप्शन, बस नेम, प्राइस और डिस्क्रिप्शन है। तो नेम, चलो इसमें भी नेम है, रिक्वायर्ड है, प्राइस है, और कैटेगरी को हटा देते हैं, जस्ट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, और क्रिएटेड ऑन ऑटोमेटिकली मैं इसको दे रहा हूँ। अच्छा देखो, MongoDB का जो होता है ना स्कीमा, वैसे तो MongoDB स्कीमा लेस है, हम डिस्कस कर चुके हैं ये बात पहले कि MongoDB बिग डेटा को हैंडल करने के लिए बनाया गया, तो इसलिए वो स्कीमा लेस होता है। लेकिन हमें इस वक्त बिग डेटा की ज़रूरत तो नहीं है ना, हम तो बिग डेटा नहीं डाल रहे फिलहाल के लिए, तो हम स्कीमा लगाते हैं ताकि हमें उससे वैलिडेशन भी मिलती रहे। यार ये वाला इसी तरह देख लीजिएगा, पता नहीं ये काफ़ी दिनों से बन गई है। ठीक है, काफ़ी दिनों से जो है ये ऐसे ही है। तो हम इसको ना स्कीमा बना के इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हमने कहा भाई प्रोडक्ट स्कीमा, और ये काइंड ऑफ बॉयलर प्लेट कोड है,
वैलिडेट करता है बिल्कुल, क्यों नहीं करता? मैंने रिक्वायर्ड लगाया हुआ ना नेम के आगे, अब मैं नेम नहीं दूंगा ये जाने थोड़ी देगा, एरर दे देगा, रोक देगा, सही है जब तक। अच्छा जो ऑप्शनल है उसकी खैर है, अब फिर क्रिएटेड ऑन है ना, देखो इसमें टाइप लिखा है मैंने डेट और डिफॉल्ट में लिखा है डेट डॉट नाउ, कि अगर यूज़र नहीं देता ना तो आप खुद से ले लो डिफॉल्ट पे अभी का टाइम, सही है। तो तीनों चीज़ें इसके अंदर है, एक तो रिक्वायर्ड है, एक ऑप्शनल है और एक फिर डिफॉल्ट वाला है, ऑप्शनल में भी ऑप्शनल, ठीक है। हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कभी भी कि क्रिएटेड ऑन यूज़र खुद से दे, हम ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, हम ये कहेंगे कि डिफॉल्ट ही लेगी हमेशा। अभी ये स्कीमा हमारा बन के तैयार हो गया, इस स्कीमा के अंदर देखो टाइप मैंने इस वक्त स्ट्रिंग इस्तेमाल की है, नंबर इस्तेमाल किया है और डेट इस्तेमाल की है। अब स्कीमा के अंदर और कौन कौन सी टाइप इस्तेमाल हो सकती है उसके लिए आपको जाना पड़ेगा, ये रख स्कीमा टाइप मोंगोस का जो ये डॉक्यूमेंट है ना, इसमें स्कीमा टाइप में देखो ये सारे टाइप्स हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर स्ट्रिंग कैसे यूज़ होगा, मैंने क्लिक किया ना तो इन्होंने एग्जाम्पल बता दी, ठीक है एग्जाम्पल। अच्छा इन्होंने वो एक लाइन में लिखा हुआ ना कोड, तो थोड़ा उस तरह से समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। इमेजिन करेंगे ये जेसन जो है वो अलग अलग लाइनों में लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद एरे हमारे पास कैसे इस्तेमाल होगा, तो तमाम एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखी हुई है, यहीं से देख के कर रहा हूँ मैं भी। तो आपने क्या करना है, ये तमाम जो डेटा टाइप्स है ना जो इसके स्कीमा में हो सकती है वो आपने यहाँ से देख लेना। मिसाल के तौर पर बूलियन किस तरह रखा जाएगा, तो बूलियन में ना ये चीज़ें रखी जा सकती हैं, ट्रू ट्रू वन वन यस, इन सबको ये क्या मानता है, ट्रू मानता है, और फॉल्स फॉल्स ज़ीरो ज़ीरो नो, इन सबको ये फॉल्स मानता है डेटाबेस के लेवल पे, सही है। जावास्क्रिप्ट में तो हमें पता है ट्रू थी फॉल्स ही, ये डेटाबेस के लेवल पे बता रहे हैं, ठीक है। और स्कीमा इसका कैसे बनेगा, स्कीमा इसका बनेगा ऐसे, ये ना न्यू स्कीमा बूलियन, तो मुझे टाइप यहाँ पे क्या लिखनी पड़ेगी, कहाँ गया मेरा कोड, मुझे यहाँ पे बूलियन ऐसे लिखना पड़ेगा टाइप, अगर मैं बूलियन बनाना चाहता हूँ, ठीक है। अच्छा ये स्कीमा मेरा बन के तैयार हो गया, प्रोडक्ट स्कीमा ही इसका नाम है और ये प्रोडक्ट लगा हुआ है। अच्छा ये जो बात लिखी हुई है ना, इस नाम से मेरे डेटाबेस में कलेक्शन तैयार होगा, ठीक है, इस नाम से, ये वाले से। और ये जो लिखा हुआ है ये दोनों, ये जस्ट एक वेरिएबल है, ये मेरे प्रोग्रामिंग की हद तक है। अच्छा इस प्रोडक्ट में मैंने एस लगाया हुआ है, ये एस लगाना ज़रूरी है, ऐसा अगर मैं नहीं लगाऊंगा तो मोंगोस इसमें खुद से एस लगा देता है, क्योंकि ये कलेक्शन का नाम है, ठीक है। मोंगो डीबी की हायरार्की समझ लो डेटा को सेव करने की, मोंगो डीबी के अंदर डेटाबेस होता है, उसके अंदर कलेक्शन होता है और हर कलेक्शन के अंदर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है। ये हायरार्की बहुत अच्छे से समझ लो। कितने लोग ऐसे हैं जो सीक्वल डेटाबेस पहले पढ़ चुके हैं, यहाँ पे जो बैठे हैं, SQL जो डेटाबेस होता है वो पहले पढ़ चुका है कोई? अच्छा तो SQL वालों को मैं बताता चलूँ कि SQL डेटाबेस जो होता है, या सीक्वल डेटाबेस भी कहते हैं उसको, उसके अंदर जो टेबल होती है, इसके अंदर वो कलेक्शन होती है, ठीक है। टेबल और कलेक्शन नाम अलग है, काम सेम है। अच्छा इसी तरीके से सीक्वल डेटाबेस में जो रो होती है, जो टेबल के अंदर एक रो होती है, इसके अंदर वो एक डॉक्यूमेंट कहलाता है, सही है। तो हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, मिसाल के तौर पर स्टूडेंट हमारा अगर हम भर रहे हैं, या प्रोडक्ट, जैसे हमारे केस में हम प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं, तो हमारे केस में कलेक्शन का नाम क्या होगा, प्रोडक्ट्स, वो एक कलेक्शन है या एक टेबल। अब उस ये कलेक्शन का मैंने बता दिया कि भाई इस कलेक्शन में हर आइटम इस तरह का होगा, ये चीज़ें उसके अंदर होंगी, और स्कीमा तैयार किया हुआ हमने, ठीक है, इस रूल के ऊपर रखा जाएगा। अब वो जो कलेक्शन बनी है ना मेरे पास प्रोडक्ट्स की, उसके अंदर एक प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट, तीन प्रोडक्ट, 3000 प्रोडक्ट, 3 लाख प्रोडक्ट, 3 मिलियन, 3 बिलियन प्रोडक्ट उसमें हो सकती है, सही है। अच्छा तो मैं प्रोडक्ट उसमें डालता चला जाऊँगा, जब मुझे प्रोडक्ट को क्वेरी करना होगा तो मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा प्रोडक्ट कलेक्शन प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट के कलेक्शन में जाओ और एक ऐसा प्रोडक्ट निकाल के लाओ जिसकी जो आईडी है वो ये, या जिसके नाम में बॉल आ रहा है, ठीक है, या जो बेस्ट सेलर है, या जिसकी रेटिंग 4.5 से ऊपर है। इस तरह की मैं क्वेरीज उस पर लगाऊंगा, मैं बोलूँगा भाई ये ऐसी वाली प्रोडक्ट उसमें से ढूंढ के लेकर आ जाए, तो ये ढूंढ के लेकर आ जाएगा। तो पहले हम इसको रखवाना सीखते हैं कि कलेक्शन के अंदर आइटम जाएंगे कैसे। हाँ बोलो, हाँ ये इसी तरह बनेगा, ये जैसे लिखा हुआ है ये देखो, असल में इसके अंदर जो स्कीमा और मॉडल दो चीज़ें होती हैं, राइट। अच्छा एक स्कीम मैंने अलग अलग इसलिए बनाया ताकि ये समझ में आए, बुक में उसने एक ही लेवल पे किया हुआ सारा, मतलब बुक में कह रहा हूँ ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में। देखो इतना पार्ट जो है ना वो स्कीमा है,
ठीक है, इतना पार्ट जो है वो स्कीमा है। ये स्कीमा से आप कुछ भी नहीं कर सकते। स्कीमा जस्ट आप समझ लो कि जैसे टाइप स्क्रिप्ट में तुम इंटरफेस पढ़ रहे हो, ठीक है, तो स्कीमा जस्ट एक ऑब्जेक्ट है, जावास्क्रिप्ट का एक ऑब्जेक्ट है स्कीमा, और कुछ भी नहीं है। स्कीमा जो है वो क्या है, वो जावास्क्रिप्ट का एक ऑब्जेक्ट है, वो असल काम हो रहा है इस लाइन के अंदर, मॉडल बन रहा है इधर यहाँ पे। मैं कह रहा हूँ मोंगोज डॉट मॉडल प्रोडक्ट्स, इसका मतलब क्या हुआ कि MongoDB के अंदर एक कलेक्शन बना दो प्रोडक्ट्स के नाम से, और उसकी टाइप क्या होगी, ये वाली होगी। तो अब क्या होगा, अब मैं जब भी कोई प्रोडक्ट ऐड करूँगा ना, मैं बोलूँगा प्रोडक्ट मॉडल डॉट क्रिएट। तो प्रोडक्ट मॉडल डॉट क्रिएट करूँगा ना, तो इस प्रोडक्ट मॉडल को पता है कि इसमें भेजना कहाँ है, MongoDB में, इस जगह पे भेजना है, और वैलिडेशन किससे करनी है, इससे करनी है। तो ये कलेक्शन और वैलिडेशन, ये दोनों मिला के हमारा मॉडल तैयार हो जाता है। तो इस मॉडल के ज़रिए हम डेटा इंसर्ट भी करेंगे और डेटा को क्वेरी भी करेंगे, दोनों काम हम इसके ज़रिए करेंगे। ये दोबारा कभी भी यूज़ नहीं होगा, ये बस यहाँ पे यूज़ हो गया, ख़त्म हो गया, सही है। और इसी तरह से बनेगा, मतलब दूसरी कलेक्शन जब मैं बनाऊँगा तो ऐसे करके बनाऊँगा, नाम चेंज करूँगा उसको, ऑब्वियसली सेम नाम से दो चीज़ें देखो एरर दे रही है। तो ये बॉयलर प्लेट आपका रहेगा, आप बीच में बस ये वैल्यूज़ चेंज करते रहेंगे, दैट्स इट। क्रिएटेड ऑन भी आपको तकरीबन हर कलेक्शन में रखना ज़रूरी होता है, ठीक है, क्योंकि चाहे स्टूडेंट साइन अप हो रहा है, चाहे प्रोडक्ट ऐड हो रही है, हमें पता होना चाहिए कब ऐड हुआ है, ठीक है। हम बाज़ अवकात हम इससे क्वेरी भी करते हैं कि भाई आज की डेट में जो जितनी प्रोडक्ट्स ऐड हुई हैं वो मुझे लाकर दिखाओ, ठीक है, या मैं ये देखना चाहता हूँ कि पूरे साल में जो ज़्यादा प्रोडक्ट है वो कौन से महीने में लोग ऐड करते हैं। तो उसके लिए क्रिएटेड ऑन मेरे पास काफ़ी काम आता है इन फ्यूचर, ठीक है। या स्टूडेंट मेरे पास जो साइन अप हुआ है, तो ज़ाहिर है साइन अप का मतलब एडमिशन्स आ रहे हैं, तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरे पास जो कौन से इवेंट के बाद मेरे पास एडमिशन ज़्यादा आए हैं। मिसाल के तौर पर मैंने कोई मार्केटिंग कंपेन की थी, उसके बाद मैं देखना चाह रहा हूँ कि यार मैंने 10 तारीख को मार्केटिंग कंपेन शुरू की थी और मैं ये 28 तारीख तक लेकर गया हूँ, ठीक है, यानी तकरीबन 18 दिन की कंपेन है। तो 10 तारीख से लेकर 18 तारीख तक का रिस्पॉन्स एडमिशन का, और 18 तारीख से लेकर ऑनवर्ड्स 3 महीने तक का रिस्पॉन्स, ये मैं देखने में इंटरेस्टेड हो सकता हूँ। तो क्रिएटेड ऑन हमें हर दफ़ा हर जगह पर बनाना ज़रूरी रहता है, इसलिए बहुत काम आता है। ये डेटा बेस का टाइम उठाता है, डेटाबेस का जो टाइम होता है वो सही टाइम होता है जो इस वक्त हो रहा है। और ये UTC फॉर्मेट में उठाता है टाइम को, मतलब जो टाइम जोन इंडिपेंडेंट होता है ना, जो वो वाले फॉर्मेट में उठाता है, ठीक है। पता नहीं ISO बोलते हैं, UTC बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ठीक है। तो उसको जब आप पार्स करते हैं ना, जिस मशीन में पार्स होता है वो, तो उस मशीन के टाइम जोन के हिसाब से ऑटोमेटिकली पार्स हो जाता है। यानी आप काइंड ऑफ मिली सेकेंड कह लो, मिली सेकेंड में भी यही होता है कि मिली सेकेंड जब आप गेट करते हो तो वो इंडिपेंडेंट होता है, जब जिस मशीन में पार्स करते हो उस मशीन के टाइम जोन के हिसाब से पार्स होता है। वेल, तो ये हमारे पास मॉडल बन के तैयार हो गया। अब हमने क्या करना है, ये वाला जो काम है ना, ये वाला, इसको रोक के मैंने क्या करना है, मैंने कहना है प्रोडक्ट मॉडल डॉट क्रिएट, सही है। ये वाला कोड भी बाय द वे मैं यहीं से उठा लेता हूँ, ठीक है, ये रहा डॉट क्रिएट। अच्छा देखो, मैंने लिखा प्रोडक्ट मॉडल डॉट क्रिएट और नेम मुझे देना है इसमें क्रिएट करते हुए, तो मैंने कहा भाई बॉडी डॉट नेम उठा लो, सही है, बॉडी मैंने ऊपर सेपरेट की भी है ना, ठीक है। प्राइस मैंने देना है तो प्राइस बॉडी डॉट प्राइस, कैटेगरी मेरे पास नहीं है हटा देता हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉडी डॉट डिस्क्रिप्शन, ठीक हो गया, चार चीज़ें मैंने यहाँ पर लगा दी और तीन चीज़ें लगा दी। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या किया, जो प्रोडक्ट मॉडल डॉट क्रिएट है उसको पहले पैरामीटर में वो डेटा देना है जो कि इस वक्त मैं इंसर्ट करवाना चाह रहा हूँ, कॉमा डाल के मैंने कॉल बैक फंक्शन इसमें देना है, ठीक है। कॉल बैक फंक्शन में या तो एरर होगा या तो सेव्ड होगा, दो तरह के इस पर रिस्पॉन्स आ सकते हैं, क्योंकि ये एक एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट है, इंटरनेट पर जा रही है रिक्वेस्ट, तो वो सामने से फेल भी हो सकती है, जैसा कि एक्सियोस में होता है कि सक्सेस भी होता है फेलियर भी होता है, इसी तरह इसमें भी हमारे पास एरर भी हो सकता है और सेव्ड भी हो सकता है। तो फिर मैंने नीचे ज़ाहिर इफ लगाना है इसमें कि भाई नॉट एरर अगर है तो आप बोलोगे भाई सेव्ड हो चुका है, ठीक है, यानी जो सेव्ड में जो भी चीज़ आई है उसको आप यहाँ पे कंसोल करवा दो और रिस्पांस में क्या भेज दो, योर प्रोडक्ट इज सेव्ड, ठीक हो गया, रिस्पांस चला गया, ये मैसेज जो भी मैसेज होगा वो वहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। अच्छा, अदरवाइज मैंने कहा भाई रिस्पॉन्स में क्या भेजो, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 500, HTTP के स्टेटस कोड हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि 400 वाली सीरीज़ का क्या मतलब होता है, 500 वाली सीरीज़ का क्या मतलब होता है, ठीक है। 500 की सीरीज़ का मतलब है कि सर्वर की वजह से एरर हुआ है, यूज़र ने कोई गलती नहीं की थी, ठीक है। अच्छा,
अब आप नोट करें ज़रा कि ये प्रोडक्ट मॉडल के एरर और देन में तो ये हो गया कि एरर में भाई ये वाला रिस्पांस जा रहा है और सेव्ड जब है तो ये वाला रिस्पांस, मतलब ये हो गया। ये वाला कब जाएगा? ये हमारी अब इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, सही है, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि जब ये प्रोडक्ट मॉडल डॉट क्रिएट करूँगा मैं तो उसके बाद क्या होगा, या तो एरर होगा या तो सेव्ड होगा, इन दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी होगी ना, तो वो ये या इफ़ या एल्स में कुछ ना कुछ हो जाएगा यहाँ। ठीक है, यहाँ पर मुझे कुछ हैंडल करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मेरा ख़त्म हो गया ये कोड। ठीक है, ये था हमारा कुल मिला के कोड, सही हो गया। अब इसको मैं छोटा कर देता हूँ, बल्कि इसको चला के देख लेते हैं अभी, सही है, इसको चला के देख लेते हैं। मैंने कहा सी डी वेब एन पी एम स्टार्ट, ये मेरे पास वो फॉर्म है जो लास्ट क्लास में हमने तैयार किया था। ठीक है, यहाँ पे मैं कॉन्सोल पे आ जाता हूँ, बल्कि कॉन्सोल पे भी नहीं, मैं नेटवर्क पे आ जाता हूँ, क्योंकि नेटवर्क की रिक्वेस्ट कौन सी लगती है। मैंने कहा बॉल और प्रोडक्ट की प्राइस है 1234 और प्रोडक्ट की कुछ डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, और इसको मैं क्या करता हूँ, सबमिट का बटन दबाता हूँ, तो ये क्या हुआ, ये गई है रिक्वेस्ट। ठीक है, कहाँ पे रिक्वेस्ट गई है, लोकल होस्ट 5001/product और इसका रिस्पॉन्स आया 200। पेलोड में लेकर क्या गई है, साथ ये चीज़ें लेकर गई है, रिस्पॉन्स में क्या लेकर आई है, प्रोडक्ट एडेड सक्सेसफुली। इसका मतलब है डेटाबेस में मेरा प्रोडक्ट जा चुका है, तो मैं यहाँ पर आके क्या करूँगा, मैं इसको क्लोज करूँगा और ब्राउज कलेक्शन का बटन दबाऊँगा। ब्राउज कलेक्शन का बटन दबा के मैं देखने की कोशिश करूँगा कि मेरा प्रोडक्ट्स का कलेक्शन बना है और उसमें आया कि अभी जो मैंने प्रोडक्ट ऐड किया वो गया भी है कि नहीं गया, सही है। ये मैं किस में आ गया हूँ, ब्राउज कलेक्शन में करने के बाद कलेक्शंस में आ चुका हूँ भाई। ठीक है, और ये प्रोडक्ट्स मेरे पास है और इसमें ज़ीरो रिजल्ट किस खुशी में शो हो रहा है भाई, ओके ये वो आ गया हमारा डेटाबेस। अच्छा, एक चीज़ मैं इसमें शायद लगाना भूल गया हूँ, एक मिनट, मैं डेटाबेस का नेम देखना चाह रहा हूँ मैंने क्या रखा है। ये MongoDB URI जो है ना हमारी, देखो इसमें गौर से एक चीज़ समझना कि ये जो पूरा URL है ना जो मैंने वहाँ से कॉपी किया है, इसके लास्ट में ना मैं .NET के बाद मैंने क्या लगाना था, मैंने लगाना था डेटाबेस का नाम ABC डेटाबेस, मैंने कोई नाम नहीं लगाया था तो इसलिए उसने टेस्ट के नाम से बना दिया, राइट। यहाँ पे मैं जो नाम लगाऊंगा ना उसी नाम से मेरा डेटाबेस बनेगा। अच्छा, ये याद रखो, ये जो URL है ये डेटाबेस का URL नहीं है, डेटाबेस वो लास्ट में जो लिखा है वो है, ये URL क्लस्टर का है। क्लस्टर समझते हो, गुच्छे को कहते हैं, सही है, जैसे अंगूर का गुच्छा होता है ना उसमें बहुत सारे अंगूर के दाने लगे हुए होते हैं, इस तरह ये क्लस्टर का है। तो इसमें बहुत सारे डेटाबेस एक ही URL के अंदर रह रहे हैं। ठीक है, ये लास्ट वाला मैंने ABC डेटाबेस किया, अब इसको चेंज करेंगे दूसरा डेटाबेस होगा। तो वेल, मैं क्या करता हूँ, इसको फिलहाल के लिए कॉपी करता हूँ इस URL को, और देखो यहाँ पे तो आ गया ये बॉल 1234 और ये डिस्क्रिप्शन जो अभी मैंने लगाई थी वो आ गई, क्रिएटेड ऑन में अभी का टाइम भी आ गया। ठीक है, और टाइम जोन इंडिपेंडेंट फॉर्मेट में मैं बार बार यहाँ पर नहीं आऊँगा डेटाबेस देखने, राइट। तो डेटाबेस देखने के लिए मेरे पास एक टूल है, दैट इज़ कॉल्ड MongoDB कॉम्पास। ठीक है, MongoDB कॉम्पास भी है, Robo3D भी है। ठीक है, दोनों में से जो आपको पसंद है, MongoDB कॉम्पास शायद थोड़ा बेहतर है लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा हैवी भी है, खुलने में टाइम लगाता है, स्लो है। Robo3D थोड़ा सा कचरा है लेकिन फास्ट है थोड़ा, सही है, जल्दी जल्दी चलता है। एक रोबो मोंगो आया करता था बहुत पुराने ज़माने में, वो भी मतलब बिल्कुल ही लाइट वेट था और बहुत उसमें कम फीचर्स थे। ये डाउनलोड करने वाला सॉफ्टवेयर है, डाउनलोड करके उसको आपने अपनी मशीन में इंस्टॉल करना है, जस्ट लाइक गूगल क्रोम, सही है, जस्ट लाइक VS कोड। अच्छा, यहाँ पे आपने ये जो लिखा है ना पहले से, इसको रिमूव कर देना। क्या हो गया, बिल्कुल ही स्लो हो गया यार,
और यहाँ पे वो URL पेस्ट कर देना है जो कि कहाँ से मैंने कॉपी किया है, ये देख रहे हो ABC डेटाबेस जो अभी मैंने मेरे एप्लीकेशन के अंदर जो वो किया होगा, और कनेक्ट का बटन दबा देना है। सही है, कनेक्ट का बटन दबाओगे तो आपका डेटाबेस पूरा यहाँ पे खुल कर आ जाएगा। इस तरह की एप्लीकेशन को हम क्या कहते हैं, डेटाबेस क्लाइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डेटाबेस क्लाइंट। अच्छा, तो ये चूँकि मैंने क्लस्टर का URL डाला था तो इसमें देखो टेस्ट के नाम से एक डेटाबेस ने खुद बना दिया था, वो प्रोडक्ट्स है। अब की बार मैंने डेटाबेस का नाम चेंज कर दिया तो ये इधर आ रहा है ABC डेटाबेस। सही है, और इसमें प्रोडक्ट्स पर डबल क्लिक करूंगा तो प्रोडक्ट्स यहाँ पे खुल के आ जाएंगे, अभी कोई है नहीं लेकिन फिलहाल। ठीक है जी, तो मैं आके एक प्रोडक्ट और ऐड कर देता हूँ यहाँ से सबमिट। इसका फ़ायदा ये है कि टाइम बचता है, बस आप यहीं पर से आके देख सकते हो। ठीक है, ये मेरे पास दिख गया। इसमें तीन चार तरह के अलग अलग व्यूज़ भी हैं, इसमें क्वेरी भी लग जाती है, टेबल करके देखना है टेबल करके देख लो। ठीक है, जब आप ये यूज़ करेंगे तो आपको फिर आहिस्ता आहिस्ता पता चलता जाएगा कि इसका क्या बेनिफिट है। तो ये डेटाबेस पर डेटा जाना शुरू हो गया मेरा। ठीक है, अच्छा अगला काम मैंने क्या करना है, डेटाबेस से डेटा को गेट करना है। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ कौन से वाले में, गेट प्रोडक्ट्स, जिसमें तमाम प्रोडक्ट गेट करने का जिक्र हो रहा है। सही है, पेस्ट किया मैंने ये वाला कोड वहाँ से लाके। क्या लिख रहा हूँ मैं, प्रोडक्ट मॉडल डॉट फाइंड, और ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट का मतलब है कि सब ले आओ यहाँ पे। अदरवाइज मैं यहाँ पे क्राइटेरिया देता कि यार जिस प्रोडक्ट का नेम इक्वल्स टू लाइक दिस, मैं कहता नेम इक्वल्स टू बॉल अगर किसी का तो वो लेकर आओ। ठीक है, लेकिन फिलहाल मुझे तमाम प्रोडक्ट्स चाहिए एस लगा हुआ है, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा जो है सब ले आओ, एम्प्टी ऑब्जेक्ट दूँगा उसको। ठीक है, और अगेन इसमें एरर होगा या डेटा होगा, क्योंकि ये क्वेरी डेटाबेस में जा रही है, इस सर्वर से उठ के डेटाबेस के सर्वर पे जा रही है, फेल भी हो सकती है। ठीक है, तो एरर और डेटा दो हो सकता है। तो मैंने कहा नॉट एरर, तो इसका मतलब है कि क्या है ये, सक्सेस है। एल्स मैंने कहा स्टेटस 500। तो ये जो नीचे मैं भेजता था ना गॉट ऑल मैसेजेस, इसको मैं कट करूँगा और इसको मैं यहाँ लगा दूँगा। ठीक हो गया। ठीक है, ये जो डेटा आया था इसको मैंने यहाँ रख के भेज दिया है, और वही पुराना वाला जो रिस्पांस था वही रखा है मैंने। तो सक्सेस में ये रिस्पांस, एरर में ये रिस्पांस, नीचे मुझे दोबारा कोई रिस्पांस भेजने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मेरा कौन सा हो गया, स्लैश प्रोडक्ट्स जो है वो चल पड़ा। तो इसका मतलब है क्या होगा, इसको जब मैं रिफ्रेश करूँगा तो नीचे प्रोडक्ट डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगी। फ्रंट एंड में तो वही है ना, सेम चीज़ है, मैं तो सिर्फ सर्वर की API को थोड़ा थोड़ा चेंज कर रहा हूँ और इंटरफेस चेंज नहीं कर रहा उसका मैं, कि स्लैश पे करके क्या होता है वो वही है, रिस्पांस का फॉर्मेट भी सेम है। जब भी वो UI पे मुझे कोई चीज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, वो डायरेक्ट डायरेक्ट चलता चला जा रहा है। ठीक है, अब तीसरी चीज़ क्या रह गई मेरे पास, डिलीट। ठीक है, पहले डिलीट कर लेते हैं, डिलीट आसान है। हाँ, ID के नाम से जो गेट करने वाला है ना वो भी हम देख लेते हैं। अच्छा, ये वाला हम यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि अगर सिंगल प्रोडक्ट मुझे गेट करना है क्वेरी लगा के तो वो मैं कैसे करूँगा। तो उसके लिए मैंने क्या करना है, उसके लिए मैंने ये करना है कि आपका इसमें तो मैं फॉर लूप लगा के ढूंढता था ना अपने वेरिएबल में, तो इस फॉर लूप की अब मुझे ज़रूरत नहीं है। तो मैं जैसे ये रिस्पॉन्स को जो है ना थोड़ा सा वो कर लेता हूँ। क्या किया मैंने, ये मैं जस्ट इस रिस्पॉन्स को ना साइड पे कर लेता हूँ और बाकी इस पूरे कोड को मैं उड़ाने लगा हूँ। ठीक है, बाकी इस पूरे के पूरे, अच्छा ये नॉट फाउंड वाले को भी साइड पे कर लेता हूँ। सही है, दो तीन तरह के रिस्पॉन्स होंगे मेरे पास, कि एक तो भाई गेट ऑल प्रोडक्ट और एक नॉट फाउंड। सही है, बाकी ये सारे कोड मेरे किसी काम का नहीं है, उड़ा दिया मैंने उसको। ये उड़ाने के बाद मैंने कौन सा कोड पेस्ट किया यहाँ पे, फाइंड वन का कोड पेस्ट किया मैंने। अब मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ प्रोडक्ट मॉडल डॉट फाइंड वन, क्योंकि मुझे पता है ID मौजूद है, जो डेटाबेस ID असाइन करता है। अगर आप यहाँ पे गौर करें तो हर ऑब्जेक्ट को ना डेटाबेस एक ID असाइन कर रहा है, ये ID जो है वो यूनिक होती है। ठीक है, अगर मैं थोड़ा दूसरा व्यू लगाऊँ ये वाला, इसमें आपको ये बेहतर तरीके से नज़र आ रहा है। ठीक है, _ID के नाम से एक ID ये डेटाबेस खुद से असाइन कर देता है, ये थ्रू आउट द डेटाबेस ये ID यूनिक होती है। तो मुझे पता है कि अगर मैं प्रोडक्ट में इस ID के ज़रिए अगर तलाश कर रहा हूँ, मिसाल के तौर पर मेरे पास 1 मिलियन प्रोडक्ट्स हैं, तो वो अगर 10वें 12वें नंबर पे उसको वो प्रोडक्ट मिल गई है तो दोबारा मिलने का कोई चांस है नहीं है। तो मैं कहता हूँ फाइंड वन, जहाँ मिल जाए वहीं से वापस आ जाओ।
अगर मैं फाइंड बोलूँगा तो वो लास्ट तक ढूंढेगा। अगर मैं ये बोलता हूँ कि ऐसी प्रोडक्ट लाओ जिनकी कॉस्ट 200 रुपये से कम है और मैं कहता हूँ फाइंड वन, तो जहाँ पे पहली प्रोडक्ट मिल गई वही लेकर वापस आ जाएगा। फाइंड बोलूँगा तो 200 से कम की प्रोडक्ट आखिर तक पूरा तलाश करेगा, हो सकता है उसको एक मिले, हो सकता है 10 मिले, हो सकता है एक भी ना मिले, लेकिन जाएगा पूरा आखिर तक। तो फाइंड में और फाइंड वन में ये डिफरेंस है, ये समझ लो। अच्छा, तो मैंने कहा भाई जो पैराम्स में आई डी मिली है ना वो मैंने सेपरेट की। मैंने कहा भाई अब की बार मैं क्वेरी लगा रहा हूँ, एम्प्टी ऑब्जेक्ट नहीं दे रहा। मैंने कहा भाई अंडर स्कोर आई डी जो है ना वो इक्वल्स होनी चाहिए अभी जो आई डी यूज़र ने दी है उसके, और एरर और डेटा, ठीक हो गया। तो मैंने कहा कि इफ़ नॉट एरर, ठीक है, इफ़ नॉट एरर पे मैंने कहा कि ए के फॉर लगाओ। ए के फॉर इस वजह से लगाओ क्योंकि ये जो है ना इसकी जगह नल भी आ सकता है, अगर फाइंड अगर इस आई डी से कोई भी चीज़ नहीं मिली तो नल आएगा, तो मैंने वो नल भी यहाँ पर चेक कर लिया। अगर मुझे नल मिलता है तो मैं कहता हूँ भाई 404 प्रोडक्ट नॉट फाउंड, ठीक है। अगर डेटा में कुछ है तो फिर मैं भेजता हूँ सक्सेसफुल रिस्पांस। सक्सेसफुल रिस्पांस मेरा कैसा था, मेरा कुछ इस तरह का था, तो मैं इसको कट करके ना यहाँ पे ले आता हूँ। मेरा सक्सेसफुल रिस्पांस इस तरह का है, तो मैंने कहा भाई डेटा जो है ना वो ये है डेटा, सही है, सही है। और यहाँ पर भी मैं क्या लगा देता हूँ, तो ये मेरा सक्सेसफुल रिस्पांस मेरा कुछ इस तरह का था, तो मैंने इसको ऐसा ही रखा ताकि फ्रंट एंड में मुझे कोई चेंजेस ना करनी पड़े। अच्छा, जो एरर का रिस्पांस है वो 404 है स्टेटस, दैट्स इट, 500 भी इसके अंदर आ रहा है। अच्छा, ये लास्ट वाला जो नॉट फाउंड था ये, हाँ सही है, मेरा बिल्कुल ऐसा ही है, मैसेज कर गया। तो ये मेरा क्या हो गया, सिंगल प्रोडक्ट को फाइंड करने वाला जो API थी वो बन के तैयार हो गई है मेरे पास। अच्छा, अब अगर मैं कहता हूँ इसको कि लोकल होस्ट 5001 गेट की रिक्वेस्ट है ना, ब्राउज़र से डायरेक्ट कर लेते हैं इस रिक्वेस्ट को। मैंने कहा कि लोकल होस्ट 5001/product/ और अंडर स्कोर वाली आईडी मुझे चाहिए, वो मैं यहाँ से हाथ से ही कॉपी कर लेता हूँ। मैंने कहा भाई स्लैश ये, अब मैं एंटर करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, वो प्रोडक्ट मिल जाएगी। अगर ये आईडी मैंने गलत दे दी तो मुझे क्या मिल जाएगा, नॉट फाउंड, ठीक है। तो ये वाला सीन है भाई, दोबारा सही दूंगा मुझे प्रोडक्ट मिल गया। तो मेरी API सही काम कर रही है, फ्रंट एंड पे मैंने ये वाली API इम्प्लीमेंट नहीं की हुई है इस वक्त, फ्रंट एंड पे जो इम्प्लीमेंट की हुई थी वो चल गई है। अच्छा, अब की बार मेरे पास क्या है, डिलीट, सही है, डिलीट बहुत ही आसान है। अच्छा, ये तो ऑल डिलीट है ना, ये वाला डिलीट, अच्छा जी ये डिलीट है मेरे पास। डिलीट में भी मैं फॉर लूप चलाता था क्योंकि मेरे पास लोकल वेरिएबल था, अब मुझे वो चलाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं जस्ट ये सक्सेसफुल रिस्पांस जो था उसको मैं साइड पे कर लेता हूँ, और ये जो फेलियर का रिस्पांस था इसको भी मैं साइड पे कर लेता हूँ, सही है। बाकी का कोड मेरे किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो मैंने कहा const id इक्वल टू request.params.id, कि जो भी बंदे ने पैरामीटर में id दी है वो id को सेपरेट करो पहले। उसके बाद मैंने कहा प्रोडक्ट मॉडल डॉट डिलीट वन, और डिलीट वन का मतलब भी सेम है जो फाइंड वन का मतलब है, कि वो एक ही डिलीट करेगा पहला जो मिल जाएगा उसको, क्योंकि id होती यूनिक है। अगर मैं बोलता कि भाई नेम इक्वल्स टू बॉल और मैं बोलता कि फाइंड वन, तो जो पहला उसको मिलता ना बॉल के नाम से उसको डिलीट करता हूँ। हाँ, कोई भी फ़िल्टर लगा सकते हैं, अभी वो फ़िल्टर मैं बता देता हूँ उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है, लेस देन, ग्रेटर देन, और काफ़ी सारे इसके अंदर जो है ना ऑपरेटर्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, तो वो सब इसमें लगेगा। तो डिलीट वन का मतलब है एक डिलीट होगा डॉक्यूमेंट बस। अगर मैं डिलीट लिखूँगा सिर्फ तो इसका मतलब क्या है कि उस क्राइटेरिया से मैच होने वाले जितने भी लेंगे वो सबको उड़ा देगा। अच्छा, इसमें भी एरर है या सक्सेस है, तो मैंने कहा भाई इफ़ नॉट एरर इसका मतलब है सक्सेस। अच्छा, नॉट एरर में ये जो मुझे डिलीट का जो डेटा देता है ना कि किया क्या है डिलीट, उसमें डिलीट का काउंट मिल रहा होता है मुझे। अगर वो ज़ीरो है, ज़ीरो नहीं है अगर, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ डिलीट हुआ है, तो मैं कहता हूँ भाई प्रोडक्ट हैज़ बिन डिलीट। अगर वो डिलीट का काउंट ज़ीरो है तो इसका मतलब है क्या कहता हूँ मैं, इसका मतलब है कुछ भी डिलीट नहीं हुआ, वो ऐसे ही घूम के वापस आ गए।
ठीक है, तो इसमें इस तरह करके चेक करना पड़ता है कि डिलीट हुआ कि नहीं हुआ। तो इसका मतलब है नो प्रोडक्ट फाउंड विद दिस आईडी, ठीक है। तो ये वाला सीन है, इसमें 404 लगाया हुआ था, ठीक है, इसमें मैं साथ में 404 लगा देता हूँ। अच्छा, ये जो मैं कह रहा था ना कि रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस डॉट सेंड, उसको मैं ऐसे दो लाइनों में भी कर सकता हूँ, सही है, उसको दो अलग अलग लाइनों में भी कर सकता हूँ मैं। इसमें यहाँ पे सेमी कॉलन लगाना चाहो तो लगा सकते हो, ठीक है, दो अलग लाइनों में करना भी उसको सही है। और मेरा सक्सेसफुल रिस्पॉन्स क्या था, कुछ इस तरह डालो, सक्सेसफुल रिस्पॉन्स को भी मैं क्या कर देता हूँ, हाँ सही है, मेरा सक्सेसफुल रिस्पॉन्स का यही है, ठीक है जी। तो ये मेरे डिलीट की एपीआई क्या हो गई, परफेक्ट हो गई, कंप्लीट हो गई। हाँ बोलो, नहीं नहीं, एक सर पहला वाला, तो डिलीट काउंट वन आना चाहिए अगर डिलीट हुआ है, तो अगर डिलीट हुआ है ना वाकई तो डिलीट काउंट वन आना चाहिए, क्योंकि डिलीट वन को अगर मैं कोई आईडी देकर भेजता हूँ और डिलीट करता हूँ तो एरर नहीं देगा, अगर इससे कोई भी मैच नहीं हुआ ना तो ये एरर नहीं देगा, ये बोलेगा बस मैं घूम कर आ गया, हो गया डिलीट। तो इसलिए हमें डिलीट काउंट को चेक करना पड़ता है, सिर्फ डिलीट्स नहीं, बता रहा हूँ ना यही तो फ़र्क है। देखो सिर्फ डिलीट लिखता ना अगर मैं, तो आईडी तो यूनिक है पूरे डेटाबेस में, लेकिन इमेजिन करो मेरे पास प्रोडक्ट के कलेक्शन में 1 मिलियन प्रोडक्ट्स हैं, तो वो डिलीट करने जो निकलेगा ना घर से बाहर, तो वो 1 मिलियन का चक्कर मार के आएगा वापस। मैं ये नहीं चाहता, मैं ये चाहता हूँ कि भाई 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्रोडक्ट मिल गया, बस डिलीट करो यहीं से वापस आओ, समझ रहे हो। तो इसलिए डिलीट वन लगाया, ताकि जहाँ पर मिल जाए ना वो वहीं से वो वापस आ जाए, पूरा आगे तक चक्कर मारने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज रिसोर्सेज ज़ाया करेगा ना। फॉर लूप में भी यही करते थे ना हम, कि भाई अगर हम फाइंड कर रहे हैं कोई आइटम और हमारे पास एरे है 200 आइटम्स का, तो जहाँ पे मिल जाता था वहीं पे ब्रेक कर देते थे एरे को, तो ये वही वाला चक्कर है सब, सही है। तो चलो अब चला के देखते हैं डिलीट वन को कि चल रहा है कि नहीं चल रहा। आया मैं इधर, रिफ्रेश किया मैंने, अब मैं इस पर डिलीट चलाऊँगा तो ये गायब हो जाना चाहिए, हुआ गायब। एक मिनट यार, डिलीट के क्लिक पे क्या कॉल हो रहा है। अच्छा, वो आईडी जो है ना वो उस तरह से नहीं मिल रही, अब फ्रंट एंड पे मुझे ये चेंज करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि इसमें आईडी अब मिल रही है अंडर स्कोर आईडी के नाम से, मैंने लगाया हुआ था सिर्फ आईडी, तो आ जाओ फ्रंट एंड पे ज़रा इसको चेंज कर देते हैं। हाँ, यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि वो अंडर स्कोर आईडी लगा दें, वो जहाँ पे हम उसको रेंडर करवाते हैं ना वहाँ पे मैंने सिर्फ आईडी रखा था, अब की बार मैंने क्या रखना है, अंडर स्कोर आईडी रखना है। कहाँ ये है वो डिलीट का बटन, ये रहा ना डॉट आईडी है ना, इसको अंडर स्कोर आईडी करना है मैंने जस्ट, सही है। तो ये फर्क था, जहाँ जहाँ पे ये जस्ट आईडी है ना वहाँ वहाँ पर मैंने अंडर स्कोर आईडी इसको कर देना है, तो ये मेरा मसला खुद ही हल हो जाएगा। हाँ बोलो, वो असल में मोंगो डीबी का स्टैंडर्ड वही है, मोंगो डीबी ने उसी तरह से वो दिखाया हुआ है। देखो अब अंडर स्कोर आईडी लिखा ना तो ये आईडी नज़र भी आने लग गई, पहले ये नज़र नहीं आ रही थी आईडी, है ना। अब वो मोंगो डीबी वालों ने रख दिया है तो बस वही चल रहा है, जब से किसी ने कुछ चेंज नहीं किया उसको चला रहे हैं उसी तरह। अच्छा जी, तो अब मैं इसको डिलीट करने के लिए ट्राई करता हूँ दोबारा, हो गया डिलीट, सही है। अब मैं दोबारा से नई प्रोडक्ट ऐड करता हूँ, अरे भाई क्या चाहिए इसमें, नंबर चाहिए। मैं 2, 3, 4 इतनी सारी प्रोडक्ट मैंने ऐड कर ली और इन सबको मैं डिलीट कर रहा हूँ, डिलीट हो गई सारी, सही हो गया। अच्छा, इसको मैं देखूंगा कहाँ से, ये सबमिट सबमिट सबमिट, इसको देखना होगा, यहाँ पे आके फाइंड का बटन दबाऊंगा, यहाँ पे ये लिस्ट बन के आ गई, सही है। इसको टेबल के फॉर्म में देखना है, टेबल के फॉर्म में देख सकते हैं इस तरह करके,
ये यहाँ से भी जस्ट डिलीट कर सकते हैं एग्जैक्टली यहाँ से मैं डिलीट कर सकता हूँ उसको, ठीक है यहाँ से मैं डिलीट कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे ऑब्वियसली जब मैं रिफ्रेश करूँगा जब ही यहाँ पे उसका इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि रियल टाइम नहीं है ना, आ गया इम्पैक्ट। हाँ डायरेक्ट डेटाबेस में तो आप कर सकते हो ना यार, डायरेक्ट डेटाबेस में जाके ऐड कर दो। अच्छा ये असल में अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, डायरेक्ट डेटाबेस में आप ऐड करने बैठोगे ना अभी तो 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, आमतौर पर प्रोडक्ट में 200 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो कितने को लिखोगे आप हाथ से? फिर इनम्स भी होते हैं, मतलब इनम का मतलब ये है कि मैंने किस चीज़ को ट्रू फॉल्स रखाया हुआ है, किसी को मैंने 0-1 पर सेव किया हुआ है, समझ लो किसी को 0 से लेकर 3 तक का कोई नंबर दिया हुआ है, उस तरह की चीज़ की भी होती है लोगों ने डेटाबेस को बचाने के लिए, डेटाबेस की स्टोरेज बचाने के लिए, तो वो आप हाथ से लिखने बैठ गए तो फिर बेड़ा गर्क हो जाएगा। UI बनाते इसीलिए ताकि आसानी से ऐड हो, वैलिडेशन लगी भी होती है उसमें कि कोई चीज़ गलत लिख रहा हूँ अगर मैं, अब देखो इस जगह पे मुझे नंबर चाहिए ना, मैं ABCD लिखूँगा यहाँ पे सबमिट करूँगा नहीं करने देगा मुझे, ठीक है क्योंकि यहाँ पे नंबर चाहिए, कल को मैं इससे कंपैरिजन करूँगा प्लस माइनस करूँगा इस नंबर से, समझ रहे हो? तो डेटाबेस में हाथ से लिखने का मतलब है लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा बवाल और सर का दर्द अलग, ठीक है। मैंने कहा न्यू प्रोडक्ट और मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन दी इसकी, ऐड किया मेरे पास न्यू प्रोडक्ट लास्ट में ऐड हो गई। अच्छा लास्ट क्लास में कोई मुझसे पूछ रहा था कि इसको अपोजिट कैसे करेंगे हम, है जो गेट ऑल प्रोडक्ट में चलते हैं ना, गेट ऑल प्रोडक्ट, ये गेट ऑल प्रोडक्ट है ना मेरा, अब मैं सेट प्रोडक्ट करता हूँ इसको, तो सेट प्रोडक्ट करने से पहले इसको मैं रिवर्स करवा दूंगा, सही है डॉट रिवर्स, क्या इससे हो जाएगा सही है? सोच के बताओ अच्छे से, जावास्क्रिप्ट पढ़ी हुई है सब लोगों ने, इतनी अनसर्टेनिटी ना अच्छी नहीं है भाई, रिवर्स एरे को उल्टा कर देता है ना, पता है ना ये सबको, तो बस उल्टा करके सेट होगा तो उल्टा रहेगा बस, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है, सोचो नहीं भाई, इतना सोचोगे तो बहुत पीछे रह जाओगे फिर, सही है। अब नई प्रोडक्ट ऊपर आना शुरू हो गई है, उसको मैंने रिवर्स कर दिया। अच्छा ये चीज़ आप डेटाबेस के लेवल पे भी कर सकते हैं, मतलब यहाँ से क्वेरी करवाते हुए ना, जैसे सर्वर है आपका, सर्वर पे क्वेरी करवाते हुए भी आप कह सकते हैं कि भाई जो रिजल्ट है ना वो मुझे रिवर्स में ला के दो आप, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये प्रोडक्ट्स लिखा हुआ है ना, यहाँ पे फाइंड जो किया है, अब इसमें मजीद ऑप्शन होते हैं डॉट सॉर्ट, डॉट लिमिट, डॉट स्किप, बहुत सारे इसमें ऑप्शन होते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वो सारे ऑप्शन आपको कैसे पता चलेंगे यहाँ पे, वो सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा मोंगोज़ की डॉक्यूमेंटेशन में, और यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा गाइड में, और गाइड के बाद क्वेरीज़ में जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्वेरीज़ में आप जैसे ही जाएंगे तो ये फाइंड पे क्लिक करेंगे ना, अबे यार ये क्या किया इन्होंने, अब यार इसका क्या करूँ मैं, अभी मैं संडे वाले दिन भी क्लास पढ़ा रहा था, ये डॉक्यूमेंटेशन नहीं है इनके, गायब है। वेल देखो यहाँ पे ना इन्होंने कुछ चीज़ें बताई हुई हैं कि भाई फाइंड के साथ आप क्या क्या लगा सकते हो, ठीक है। फाइंड में इसने कहा भाई ऑक्यूपेशन जो होना चाहिए वो होस्ट होना चाहिए, नेम डॉट लास्ट जो होस्ट होना चाहिए, एज उसका क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 17 एंड लेस देन 66, इस तरह करके आप ऑपरेटर्स लगा सकते हैं इफ के अंदर, फाइंड के अंदर, राइट। लाइक्स क्या होना चाहिए, लाइक्स इन वेपराइजिंग एंड टॉकिंग, ये इन का मतलब होता है कि लाइक्स जो है ना एक एरे है, उसमें ये दो आइटम होने चाहिए एटलीस्ट, मैच करेगा उसको ये। लिमिट का मतलब होता है कि जो मतलब इस क्राइटेरिया पे जो डॉक्यूमेंट मिले ना 200 मिल गया मिसाल के तौर पे, लाना 10 है शुरू के 10 बस, उससे आगे नहीं लाना। सॉर्ट का मतलब है कि वो डेटाबेस जाहिर है किसी ना किसी ऑर्डर में भेजेगा उसको, बाय डिफ़ॉल्ट ID जो होती है ना उसके सॉर्ट करके भेजता है, जो अंडरस्कोर ID है वो क्या है, वो सॉर्टेड ID है असल में, और वो ID जनरेट होती है टाइम के ज़रिए, तो टाइम के जरिए जनरेट होने का मतलब ये है कि जो ID पहले जनरेट होगी वो लेक्सिकल ऑर्डर में ऊपर होगी, और जो ID बाद में जनरेट होगी वो लेक्सिकल ऑर्डर में उसके बाद आएगी, समझ रहे हो ना लेक्सिकल ऑर्डर, डिक्शनरी ऑर्डर, समझ रहे हो? जैसे एक वर्ड है कैट, एक वर्ड है कैट और एक वर्ड है डॉग, तो लेक्सिकल ऑर्डर में कौन सा वाला पहले है कौन सा वाला बाद में, कैट पहले है डॉग बाद में, क्योंकि कैट सी से शुरू हो रहा है, सही है। तो ये लेक्सिकल ऑर्डर या डिक्शनरी ऑर्डर इसी को कहते हैं, तो जो वो लेक्सिकल ऑर्डर में जो है वो अरेंज हुआ हुआ है, और इस वजह से हुआ हुआ क्योंकि टाइम के ज़रिए उसको जनरेट किया जा रहा है, उसको जनरेट करने में टाइम की इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। तो अगर आप इसको गौर से यहाँ पे देखेंगे ना,
तो आप देखें जो पहले क्रिएट हुआ ऊपर आ रहा है, जो बाद में क्रिएट हुआ वो नीचे आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप नोट करें, ये जो टाइम है ना 29:08:193, सही है, ये पहले जनरेट हुआ है, ये 341 ये बाद में हुआ है, ये 475 ये उसके बाद हुआ है और ये उसके बाद हुआ है। तो इसका मतलब है ये सीक्वेंस में ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, ये आईडी भी अगर आप लेक्सिकल ऑर्डर इसका चेक करेंगे ना तो ये ऊपर से नीचे की तरफ सॉर्ट हुआ होगा। तो बाय डिफॉल्ट अंडर स्कोर आईडी पे सॉर्ट होता है, लेकिन हम इसका सॉर्ट चेंज करके किस पे कर रहे हैं, ऑक्यूपेशन पे कर रहे हैं। जो रिजल्ट आएगा कोई बंदा होगा, ये नेम, क्लास, रोल नंबर, ऑक्यूपेशन, बिजनेस, सब्जेक्ट, वो सब होगा उसके अंदर। तो कह रहे हैं ऑक्यूपेशन से उसको सॉर्ट करो, और इसमें इसकी जो वैल्यू होती है वो या तो 1 लगती है या तो -1 लगती है। 1 का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर, -1 का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ऑक्यूपेशन को से सॉर्ट करो डिसेंडिंग ऑर्डर में। मिसाल के तौर पे डिसेंडिंग ऑर्डर में मैंने ऑक्यूपेशन से कर दिया, 10 रिजल्ट आए, ठीक है, और उसमें 3 तरह के ऑक्यूपेशन थे, एक था टीचर, एक था बैट्समैन और तीसरा था बारटेंडर। तो सबसे टॉप पे कौन सा वाला होगा इसके अंदर? रिवर्स ऑर्डर किया है इसने ऑक्यूपेशन से, सबसे टॉप पे टीचर होगा, सही है। वैसे टीचर लास्ट में आता है, लेकिन चूंकि -1 लगाया ना तो अपोजिट शुरू होगा, जेड से शुरू होगा। तो टीचर सबसे पहले आएगा, उसके बाद अब बैट्समैन और बारटेंडर रहेगा। कौन सा पहले आएगा भाई? बैट्समैन और बारटेंडर में कोई तो लेक्सिकल ऑर्डर में ऊपर या नीचे होगा ना। बारटेंडर पहले आएगा इस रिजल्ट के अंदर, ठीक है। वैसे बारटेंडर बाद में आता, लेकिन इसमें रिजल्ट में क्योंकि अपोजिट है तो बारटेंडर पहले होगा, ठीक है। कैसे हम लगाएंगे? देखो बैट्समैन में भी शुरू में बी ए आता है और बारटेंडर में भी शुरू में बी ए आता है, ठीक है। थर्ड जो लेटर है वो क्या है, एक में टी है एक में आर है, तो टी और आर में से पहले कौन सा है? ए बी सी डी में, ए बी सी डी में आर पहले है, सही है, पी क्यू आर एस टी है, टी बाद में, सही है। तो लेक्सिकल ऑर्डर में जो बैट्समैन बाद में, ठीक है, लेक्सिकल ऑर्डर में बैट्समैन बाद में और बारटेंडर पहले है, तो इसमें जो भी है वो उसमें अपोजिट होगा, समझ रहे हो? तो समझाने के लिए कह रहा था, वो तो करोगे तो पता चलेगा, ऐसे में तो जितनी भी बातें कर लूँ समझ में नहीं आएगा, वो करोगे तो पता चलेगा। अच्छा, अब सेलेक्ट का क्या मतलब है? सेलेक्ट का मतलब ये है कि अब मिसाल के तौर पे जो डेटा रिजल्ट आया ना, जो उसमें भाई नेम, क्लास, रोल नंबर, पासवर्ड, ईमेल, सब्जेक्ट, पता नहीं क्या क्या है, मुझे सब नहीं दिखाना, मुझे सब नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सिर्फ नेम, रोल नंबर और ऑक्यूपेशन, 3 चीज़ें, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं प्रोजेक्शन। सेलेक्ट करके मैंने कहा भाई नेम 1 ऑक्यूपेशन 1, मतलब नेम को सेलेक्ट कर लो और ऑक्यूपेशन को सेलेक्ट कर लो। मतलब मुझे रिजल्ट में ना अगर 10 रिजल्ट आए हैं तो 10 में मुझे क्या मिलेगा? सिर्फ नेम और ऑक्यूपेशन होगा हर बंदे का, सब चीज़ें नहीं चाहिए मुझे। 1000 आइटम होते हैं यूज़र के अंदर, तो ठीक है। और एक्जी का मतलब है कि बस चला दो इसको, ठीक है। जब आप ऐसे करके लगाएंगे ना डॉट लिमिट डॉट सॉर्ट, तो फिर आपको एक्जी करके चलाना होगा, और कॉल बैक इसके अंदर उसी तरह होगा, एरर और सक्सेस, ठीक है। ये इसने एक और बना दिया नीचे, तो आप इसको देख सकते हो, इससे आप अंडरस्टैंड कर सकते हो चीज़ों को। जी भाई, हाँ, ये कॉल बैक ये वाला है ना जो हमने इधर लगाया हुआ है, ये है ना वो कॉल बैक फंक्शन। मैंने डायरेक्ट दे दिया है, उसने जो वो नाम लिख के दिया, ये है वो, ये फंक्शन है। इसको आप अलग से बना दो, इसको आप नाम दे दो, एक ही बात है, सही है भाई। तो ये क्वेरीज के अंदर जो जो चीज़ें हो सकती है ना वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, टॉप पे क्या होता था कि अगर आप ना फाइंड 1 पे क्लिक करते थे तो वो फाइंड 1 की आपको 1 से 2 या 3 एग्जांपल देता था कि ऐसे ऐसे चलता है, लेकिन पता नहीं उस पर क्लिक करने से अभी ये पागल हो जा रहा है। अब मैं पता नहीं अपना केशे वेशे क्लियर करता हूँ, शायद पुराना तो नहीं, कहीं याद करके बैठा हुआ है, केशे क्लियर करके देखता हूँ मैं अपना, ठीक है। और फाइंड 1 नहीं यार, केशे का मसला नहीं है, वो उन्होंने लिंक ही ब्रेक हुआ है अपना, ठीक हो गया भाई। तो बहरहाल अच्छा, इसके अंदर जो ऑपरेटर्स है ना, देखो मैं कहाँ पर गया हूँ अभी, मैं गया हूँ अभी एपीआई में, मैं गया हूँ अभी एपीआई में, और उसके बाद क्वेरी में चला गया हूँ। तो ये मेरे पास पेज खुला है,
इसके अंदर भी काफ़ी सारी एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, इन एग्जाम्पल्स को भी आप देख सकते हैं अगर आपको कहीं पर स्टक फील हो गया। ठीक हो गया, तो ये भाई ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, दिस इज द ओनली वे। और अब हमारे पास क्या रह गया यहाँ पे, ठीक है, प्रोडक्ट हमने कर लिया, प्रोडक्ट कर लिया, गेट कर लिया, दोनों डिलीट कर लिया हमने। अब हमने करना है लास्ट और लीस्ट, लास्ट बट नॉट लीस्ट एडिट। अच्छा, एडिट का सीन ये है भाई के आ जाते हैं यहाँ से, हम पुट को ढूंढ लेते हैं, ये है हमारा पुट। एडिट का सीन ये है भाई कि MongoDB में हम जो फील्ड्स हमें एडिट करनी होती है ना, वही प्रोवाइड करते हैं, वही एडिट होती है, जो फील्ड हम प्रोवाइड नहीं करते वो एडिट नहीं होती, सही है। तो हमारा जो वैलिडेशन ऊपर वाला है ये तो अपनी जगह पे रहेगा, सही है। वैलिडेशन के बाद ये मैंने तीनों को कंसोल करवाया हुआ है, ठीक है, इसको मैं हटा भी सकता हूँ। उसके बाद ये जो फॉर लूप है ना मेरा, ये मेरे किसी काम का नहीं है, सही है। ये सक्सेस का जो रिस्पॉन्स है ना, ये जस्ट मैं साइड पर कर लेता हूँ, ठीक है। और एरर का जो रिस्पॉन्स है उसको भी मैं क्या कर लेता हूँ, साइड पे कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने रिस्पॉन्स सेम रखना है ताकि मेरे पास फ्रंट एंड जो है वो सेम रहे। ठीक हो गया, बस बीच का सारा कोड मेरे काम का नहीं है, ठीक है। ये दो रिस्पॉन्स हैं एरर के और सक्सेस के, ये मैंने रख लिए, और बाकी का कोड मैं यहाँ से अब कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से मैंने कॉपी किया, इसको क्या बोला मैंने के आपका, अच्छा ये वाली जो रिक्वेस्ट है ना डेटाबेस में, ये मैंने एसिंक का वेट वाले तरीके से किया है, सही है, ताकि क्योंकि एक तो कॉल बैक वाला तरीका है, जो जदीद तरीका है वो एसिंक का वेट वाला है, तो ये भी आपको पता चल जाए, एक ही है ऑलमोस्ट, ठीक है, कोई इतना फ़र्क नहीं है। लेकिन एसिंक का वेट में सीन ये है कि आपको ट्राई कैच में लिखना पड़ता है। अच्छा, उसके लिए एक चीज़ और भी ज़रूरी है कि ये फंक्शन आपका क्या हो, एसिंक होगा, सही है, गौर से देख लो इसको, ये एसिंक नहीं होगा, नीचे अवेट जो आपको एरर देता रहेगा, ठीक है। तो मेरे पास था नेम, प्राइस और डिस्क्रिप्शन है, राइट, कैटेगरी नहीं है, हाँ दो वैलिडेशन है अभी मैं बता रहा हूँ। ये जो वैलिडेशन हुई भी है ना हमारी, हमें इसको पता है कैसे करना है, हमें इसको इस तरह करना है जैसे ये नीचे भी हुआ है, अच्छा नोट करो इसमें अब एडिशनल क्या चीज़ है जो पहले वाले में नहीं थी। इसमें जो एरर का मैसेज है ना मेरा, वो इतना लंबा चौड़ा है और उसके अंदर पूरी डिटेल लिखी हुई है कि भाई रिक्वायर्ड पैरामीटर मिसिंग, एग्जांपल रिक्वेस्ट बॉडी, और ये मैंने पूरा बॉडी बनाकर भेज दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो मेहरबानी है भाई, अगर आपको सर्वर से कोई इस तरह का मैसेज बना के दे रहा है तो उसकी मेहरबानी है, ठीक है। अच्छा, इस तरह की API को एक खास नाम से भी बुलाया जाता है, इसको हम कहते हैं सेल्फ डॉक्यूमेंटेड API, ठीक है। सेल्फ डॉक्यूमेंटेड API मतलब इस API को जब आप कॉल करते हैं और अगर आप गलत तरीके से कॉल करेंगे तो सामने से ये बताएगी API कि मुझे ऐसे कॉल करो, सही है। तो यहाँ पे से एक API ने बोला कि भाई ऐसे करके मुझे बॉडी में दोगे ना डेटा तो फिर मज़ा आएगा, तो ऐसे करके अगर आप लगा दें तो बेहतर है, जो पहले लगा हुआ था वो भी ठीक है, ठीक है जी। इस तरह करने से ये होता है, अगर आप डॉक्यूमेंटेशन आपकी सही नहीं भी है तो जो डेवलपर कॉल करता है वो समझ जाता है फिर कि हाँ यार क्या चक्कर चल रहा है। अच्छा, तो मेरे पास पुट के अंदर क्या आएगा, बॉडी के अंदर वो डेटा आएगा जो मैंने चेंज करना है, मॉडिफाई करना है, और पैरामीटर के अंदर मेरे पास ID आएगी जो मेरे प्रोडक्ट की ID होगी। मैंने बोला भाई अब की बार मैं क्या कह रहा हूँ, प्रोडक्ट मॉडल डॉट फाइंड बाई ID एंड अपडेट। अब ये फाइंड बाई ID एंड अपडेट कहाँ से मुझे मिला, जब आप जाएंगे ना मोंगोस की डॉक्यूमेंटेशन में और आप जाएंगे यहाँ पे क्वेरीज के अंदर, तो यहाँ पे आप देखें फाइंड बाई ID एंड अपडेट, ये रहा। अब अनफॉर्चुनेटली ये क्लिक करने से खुल नहीं रहा, सही है, इनके डॉक्यूमेंटेशन में कुछ ब्रेक आ गया। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें दो पैरामीटर है, पहला पैरामीटर जो डेटाबेस की अंडरस्कोर ID है वो, और दूसरा पैरामीटर वो डेटा जो मैंने अपडेट करवाना है, ठीक है। मेरे पास नेम, प्राइस और डिस्क्रिप्शन थी, मैंने तीनों चीज़ें यहाँ पे दे दी कि हाँ भाई तीनों को अपडेट कर दो, जो भी बंदे ने अभी लिखा है वो कर दो उसको। अच्छा, तीसरा पैरामीटर जो है वो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस के अंदर मैंने एक लिखा है न्यू और ट्रू। न्यू ट्रू का मतलब ये है कि जब ये रिस्पॉन्स देगा ना, ये API का जब रिस्पॉन्स आएगा,
तो उसमें जो डेटा आएगा ना वो अपडेटेड वाला फॉर्म लेकर आएगा उस डेटा के लिए, ठीक है, इसलिए न्यू ट्रू लगाया। अगर मैं ये न्यू ट्रू नहीं लगाऊंगा तो अपडेट होने से पहले वाला फॉर्म लेकर आएगा वो, ठीक है जी। तो और डॉट एग्जिट करके लगाया, ठीक है, वो जो एग्जिट एग्जाम्पल में दिख रहा था ना वो भी यहाँ पर लगा दिया। इसको मैं ऊपर वाले तरीके से भी कॉल कर सकता था, कॉल बैक वाले तरीके से, उसमें भी यहाँ पे कॉल बैक भी दे सकता हूँ मैं तो, लेकिन अवेट और एग्जिट दोनों इसमें इस्तेमाल होंगे ताकि हर तरह का फ्लेवर आ जाए आपके पास। अच्छा, अब मैंने क्या रिस्पांस भेजना है यहाँ पे, एसिंक अवेट आप सब लोगों ने पहले यूज़ किया एग्जियोस के केस में, तो अवेट में डॉट देन नहीं होता, बस डायरेक्ट ये सक्सेसफुल रिस्पॉन्स होता है। तो मैं यहाँ पर अपना वाला सक्सेसफुल रिस्पॉन्स उठाता हूँ, मैंने किया कट और यहाँ पर ला के मैंने इसको लगा दिया, ठीक है। और एरर का जो रिस्पांस था उसमें भी मैं क्या करूँगा, अपना वाला एरर का रिस्पांस लगा दूंगा। ये मैंने कट किया और ये 500 क्यों लगा हुआ है, अच्छा प्रोडक्ट नॉट फाउंड तो मैंने उस हिसाब से लगाया हुआ था ना कि वो एरे में मिला नहीं, और इस तरह इसमें मैं सर्वर एरर लगा दूंगा। अच्छा, इसमें एक्चुअली होगा ये कि जाहिर है इसमें भी मुझे पता तो करना है ना ये चीज़ कि भाई अगर मैं अपडेट करने भेजा था वो प्रोडक्ट मिली नहीं अगर उस आईडी से तो अपडेट भी नहीं होगा। तो वो मुझे कहाँ पे मिलता है, वो मुझे इसी डेटा के अंदर मिलता है कि जो है ना जो ये अपडेट की रिक्वेस्ट गई थी उसमें कितने डॉक्यूमेंट को चेंज किया उधर जाके और क्या क्या चेंज किया, वो सब इसके अंदर आ रहा होता है। इसको अगर आप यहाँ पर देखें अपडेटेड को कंसोल करवाएंगे ना तो यहाँ पर आपको वो सारा डेटा मिल रहा होगा कि ये जो गई थी ना रिक्वेस्ट, अगर जीरो को अपडेट करके आई है तो वो भी बता रहा होगा कि भाई मैंने किसी को भी अपडेट नहीं किया या वो डॉक्यूमेंट ही नहीं मिला मुझे। अभी इसको मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे अब तो आपको आहिस्ता आहिस्ता आइडिया हो जाएगा। अभी हमारा ये क्या है, डेटाबेस इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस की क्लास है एक्चुअली हमारी। तो बस ये अभी मॉडिफिकेशन की जो API थी हमारी कम्प्लीट हो गई है और चला के देखते हैं इसको। बॉडी डॉट क्या कहाँ लिखा हुआ है, बॉडी डॉट नेम, हाँ नेम, यस। अच्छा, तो मैंने कहा कि यार ये जो FD है ना इसको एडिट करो, और मैंने कहा कि भाई इसको बना दो फुटबॉल, ठीक है, और सबमिट कर दो। तो ये फुटबॉल बन गया, इसको रिफ्रेश करूँगा मैं तो भी फुटबॉल है ये, डेटाबेस में यहाँ पे जाके इसको देखूँगा मैं तो भी इसको फुटबॉल होना चाहिए, ठीक है। देखो जो लास्ट में ऐड हुआ है वो लास्ट में दिख रहा है लेक्सिकल ऑर्डर में, ये उसको ऑटोमेटिकली ऐड कर रहा होता है, तो ये फुटबॉल हो गया, ठीक है जी। और मैं न्यू प्रोडक्ट को बनाना चाहता हूँ कि ओल्ड प्रोडक्ट हो जाए, अगर ये ओल्ड प्रोडक्ट ठीक है, तो ये ओल्ड प्रोडक्ट हो गया। यहाँ पे भी मैं इसको क्या करूँगा, जब यहाँ पे फाइंड का बटन दबाऊंगा तो ये ओल्ड प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। डेटाबेस का करंट आपका कंप्लीट हो गया। अब आप सब लोगों ने जिन्होंने ये वेरिएबल के साथ बना लिया था करंट ऑपरेशन, आपने डेटाबेस के साथ बनाना है, सही हो गया। तो और उसमें एक एडिशनल चीज़ भी आपने रखनी है कि अगर मैं अलग से आईडी लिखूं, और सॉरी अलग से आईडी कह रहा हूँ, यहाँ पे एक अलग से मेरे पास एक बार चाहिए मुझे, सर्च बार, जहाँ पर मैं ये फुटबॉल है ना, जैसे मैं इस प्रोडक्ट का नाम लिखूँ ना, FOOT भी लिखूँ अगर, तो वो नीचे लिस्ट आ रही है उसकी कि भाई कौन कौन से प्रोडक्ट के नाम है। ये होगा कैसे, ये फाइंड वाले से होगा, और उसमें क्राइटेरिया आप लगाएंगे कि नेम इक्वल्स इक्वल्स टू लिखेंगे, उससे नहीं होगा अगर, ठीक है। यहाँ पे ऑपरेटर्स हैं, उसमें आप देखेंगे कि कौन सा ऑपरेटर लगेगा उसके अंदर, उसको आप अलग से गूगल अगर करना चाहें तो फुल टेक्स्ट सर्च लिखेंगे तो उससे भी आपको पता चल जाएगा कि मोंगोस के अंदर फुल टेक्स्ट सर्च की क्वेरी कैसे लगती है, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन इतना जो मैंने बता दिया उस पर बताओ। हाँ ये वाले भी, हाँ ये तो क्वेरी को एग्जीक्यूट करने की कमांड है ना, एग्जीक्यूट है, एग्जीक्यूट करने की कमांड है, या तो कॉल बैक दूंगा तो भी एग्जीक्यूट हो जाती है, वैसे एग्जिट लगा दूंगा तो भी एग्जीक्यूट हो जाता है।